केंद्र सरकार वालों पास किए गए खेती कानूनों को लेकर पंजाब की सियासत पूरी तरह भखी हुई है। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान ने इस मुद्दे से श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। उन्होंने दोवां पार्टियों तो पांच पांच सवाल पूछ लए ने और इस दे नाल ही उन्होंने दोवां पार्टियों के आगुओं को बहस की चुनौती भी दे दी है। उन्हों का कहना है कि पहला तो उन्होंने दोवें पार्टियां पांच पांच सवालों के जवाब दे, जेकर वो सवालों के जवाब देंगे तो बहस के लिए भी तैयार ने। किस तरह भगवंत मान ने दोवां पार्टियों के प्रधानों और कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती दे दी है, तुम खुद ही देख लो। पांच सवाल कांग्रेस को ते पांच सवाल अकाली दल को पूछना चाहना ते नाल चुनौती भी दिना कि जे उन्होंने कोल इन्हां सवालों के कोई जवाब है भावें लिखती लै आउण, गूगल तो कढ़ा लैण, जां जिहड़े रखे हुए ने इन्हां ने फौजां जिहड़ियां रखी हुई हैं सलाहकार उन्हां तो लिखवा लैण, वड्डे वड्डे रजिस्टर लै आउण, लाइव डिबेट दे विच बैण मेरे नाल हो सुखबीर बादल जां कैप्टन साहब तो मैं मूँह जबानी बोलूँगा, वो आपदे नाल कागज़ लै आउण, पंजाबी च लिख के लै आउण, अंग्रेजी च लिख के लै आउण। राहुल गांधी जी पंजाब च आ रहे ने कल नूं जां परसों नूं, स्वागत करदे उन्हां दा पंजाब च। असी कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों छोटे दिल की राजनीति नहीं करते कि अरविंद केजरीवाल जी एक वीडियो पा देंगे ने पंजाब संबंधी कोई तो कह देंगे ने भी तुसीं पंजाब दे मामलों में दखल ना दिओ। राहुल गांधी उन्हां दे साबका प्रधान ने, राहुल गांधी की प्रधानगी कांग्रेस कई इलैक्शन हारी है, सो उन्हां दा स्वागत है इत्थे। पर मैं राहुल गांधी जी नूं सवाल पूछना चाहुंदा कि तुसीं इन्हां सवालों के जवाब दे दिओ। नंबर एक, राहुल गांधी जी तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ी कि तुहाडे मुख्यमंत्री ने इत्थे, उन्होंने सवाल पूछो कि सितंबर 2019 दे विच सैकटरी एग्रीकल्चर की मीटिंग हुई नीति आयोग ने की सी एक साल पहला, जिहदे विच पंजाब वल्लों कान सिंह पन्नू गए सी, उत्थे खरड़ा दिखाया गया सी इस बिल का, तो कान सिंह पन्नू ने आके मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट दी कि बहुत ही खतरनाक बिल है, पंजाब की किसानी, पंजाब का मंडीकरण का ढांचा, पंजाब का अर्थचारे नूं तोड़ दूगा, लक तोड़न वाला बिल है आ, इन्हां दे जिहड़े ने मनशे ने इन्हां दे आ रिपोर्ट लाओ जी। तो मैनू ये दस दें कि कैप्टन साहब ने सितंबर अक्तूबर नवंबर दसंबर जनवरी फरवरी मार्च 24 नूं लॉकडाउन लगे कि सरकार कोरोना च बिजी हो गई, तो मार्च तक सितंबर तो लैके मार्च के तीजे हफ्ते तक ये रिपोर्ट बारे क्यों नहीं लोगों को दस्या, क्यों नहीं ये कोई एक्शन लिया, क्यों नहीं कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुला के इस संबंधी सलाह की कि यार एक इस तरह का मनसूबा इन्हों का केंद्र सरकार का, वो हो सकता उस वेले विरोध करते तो शायद बिल इस लैवल तक ना पहुँचता। पहला सवाल। दूजा, जदों ऑल पार्टी मीटिंग हुई सी 24 जून नूं, वर्चुअल मीटिंग हुई सी जिहदे च मैं भी शामिल सी, सुखबीर बादल भी शामिल सी, कामरेड पार्टियां भी सी, कम्युनिस्ट पार्टियां, BSP भी सी, BJP भी सी, उहदे विच इक रेजोल्यूशन पास किया गया सी। उस रेजोल्यूशन दे विच इक कलॉज सीगा, इक तां इह सीगा कि विधानसभा च इस मते स्पैशल बुला के विधानसभा इहदा मते दा विरोध किया जाऊ, प्रस्ताव पास किया जाऊ, तो एक सीगा कि ऑल पार्टी वफद 24 जून की गल है, वो प्रधानमंत्री नूं मिलेगा तो ये बिल किवें खतरनाक है पंजाब के किसानों लई, इहदे बारे उन्होंने जानकारी करा दिती जाऊगी। 24 जून तो लैके दो बार असीं रिमाइंडर भी दिते इत्थों ही कि जी कदों जाऊंगे प्रधानमंत्री कोले, पर 24 जून तो 14 सितंबर नूं पार्लीमेंट का सैशन शुरू हुंदा है, 2.5 महीने तक इन्हां ने 2.5-3 महीने तक कोई उत्ते एक्शन नहीं लिया, कोई कितने जाके मिलने की गल नहीं की, जिहड़ी हुण कहिंदे आ कि मैं लीड करन नूं तैयार हाँ। अब पछताए क्या होए जब मोदी चुक गया खेत, हुण की करोगे तुसीं। तीजा सवाल, जिहड़ा विधानसभा 28 अगस्त नूं 2.25 घंटे का सैशन होया सी, उहदे विच इन्हां बिलां दे खिलाफ ऑर्डीनेंस दे खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, वह केंद्र सरकार नूं क्यों नहीं भेजिया जी, वो चंडीगढ़ क्यों फिरदा रहा फाइलों च, कितें ना कितें इन्हां दी नीयत ते शक प्रगट हुंदा कि यह अंदरों एक ने। चौथा सवाल जी, जिहड़ी खेती राज मंत्री ने लोक सभा जानकारी दित्ती, राज सभा च भी दित्ती कि 7 मुख्यमंत्रियों की हाई पावर कमेटी बनाई सी, पहलां पहलां तो इन्हां ने BJP के मुख्यमंत्री ही लए सी,
बाद च उन्होंने किसी ने सलाह दी कि पंजाब तो बिना किमें जाऊँगे, पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, 50% तो ज़्यादा सेंट्रल पूल च अनाज पंजाब दिंदा, तो पंजाब के मुख्यमंत्री बिच पा लो, तो पंजाब के मुख्यमंत्री मैंबर बनाया गया। चार मीटिंगा उस तो पहला हो चुकिया सी उस कमेटी दियाँ, आखिरी दो वास्ते पंजाब का नाम बिच पै गया। पहली मीटिंग मनप्रीत बादल गए, दूजी मीटिंग कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अटेंड की। मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री ने, सुलझे हुए पॉलिटिशियन ने और पंजाब प्रति हकों की गल करते रहेंगे, क्यों नहीं मनप्रीत सिंह बादल ने पंजवीं मीटिंग जी सैकेंड लास्ट सी उस जान वेले जो गए तो पहलों वाली मीटिंगा का एजेंडा क्यों नहीं मंगया कि तुम की डिसाइड कर लिया कि सिर्फ सानू खाना पूर्ति लिए तो नहीं बुलाया, ताकि जे पता लगता तो उस हिसाब ना पक्ष पेश कर दे। तो आके मनप्रीत बादल ने मुख्यमंत्री क्यों नहीं कोई रिपोर्ट दी, ये गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है कि मैंने तो आके दस्या नहीं कुछ। तो कैप्टन साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग दे क्यों नहीं दस्या कि मैं दो मीटिंग अटेंड कीतियां ने, तो उत्थे असी हामी भरी है कि हाँ बिल आने चाहिए ने, ये गल केंद्रीय खेती राज मंत्री ने कही है, फ्लोर ऑफ द हाउस उत्थे कही है, इहदा जवाब चाहिए जी लोगों। तो एक 14 सितंबर तो सैशन सीगा छोटा करता, क्योंकि जिन्ना काम लेना सी धक्के बिल पास करा के लै लिया, जिन्ना चिर सैशन चलिया राहुल गांधी सारे सैशन चो गैर हाजिर से, जो उन्होंने पता सी कि बिल आ रहे हैं और बिल सैशन के पहले हफ्ते ही आ रहे हैं, क्योंकि BAC बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जी है उस कांग्रेस हैगी है, बड़िया पार्टिया के नुमाइंदे होंगे ने, आम आदमी पार्टी नहीं हैगी। सानू तो इन्हों तो पता करना पैंदा कि बिजनेस की बिजनेस आ रहा है, बिल कि आ रहे, तो फिर राहुल गांधी जी उत्थे कित्थे सी, जबकि 51 MP ने इन्हां दे लोक सभा च 40 राज सभा च ने, बहुत वड्डा विरोध जिहड़ा उन्हूं लीड कर सकते सी राहुल गांधी, पर आम तौर पर जदों भी मौका हुंदा तो गैर हाजिर हुंदे ने, तो हुण उह इत्थे ट्रैक्टर चलाउणगे कल परसों नूं, ठीक है ना, तो वह सिर्फ वोट की राजनीति है, होर कुछ नहीं हैगा। ये तो मेरे हो गए जी कांग्रेस में सवाल, हुण आ जांदे जी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, सुखबीर अकाली दल कह लो, क्योंकि SAD का मतलब हुण सुखबीर अकाली दल ही हो गया। कल जिहड़ा इन्हां ने कढ़िया सी उस फोटो भी तिन्नां दी लगी हुई सी, बड़े बाल साहब सुखबीर बाल ते हरसिमरत कौर, इको नारा परिवार प्यारा, यही है असल च इन्हां आप मौज नाल गड्डियां च बह के कितने होर चले गए, लोगों नूं कटाता उत्थे। पहला सवाल यह है जी, थोड़ा पिछे जाने बैकग्राउंड च, मोगे तो फिरोजपुर वाली रोड ते डगरू पिंड वाला फाटक लंघन सार खब्बे पासे पूंजीपतियां दा बहुत वड्डा सैलो है, वो सैलो वास्ते जमीन, वो सैलो नूं बनाउण दी इजाजत वो बादल ते BJP की जो सरकार सी वो उदों मिली उन्हां नूं, तो उहदी स्टाम्प ड्यूटी जिहड़ी है सारी स्टैंप ड्यूटी वो सारी माफ़ क्यों की गई, ये सवाल है जी बड़ा, क्यों उन्हां दी सारी वो जिहड़ी रजिस्ट्री हुई है सारी स्टैंप ड्यूटी माफ़, तो उहदे विच इक दी रेल लंघदी है उत्थे तक रेलवे लाइन है, वह भी जमीन अक्वायर की कदों की किनूं की किने करके दी, पहला सवाल 2015 की गल है जी, 7 दिसंबर 2015 नूं फैसले हुए ने, इहदा जवाब देण जी। नंबर 2, 5 जून नूं कैबिनेट की मीटिंग दे विच ऑर्डीनेंस बन के आउंदा है, 7 जून नूं इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी असीं, तो 5 जून जिहड़ा कि हुण कह रहे ने इह कि असीं विरोध किया सी उदों हरसिमरत कौर जी ने, 5 जून नूं जिहड़ी कैबिनेट च मीटिंग हुई सी उह विरोध दे मिनट्स जारी करन अकाली दल वाले, मिनट्स होंदे ने हर एक मीटिंग दे, तुसीं पढ़े लिखे पत्रकार हो, वो मिनट्स जारी करन कैबिनेट दे कि विरोध किया सी, विरोध उत्थे अंदर करके बाहर आके क्यों नहीं किया, BJP नूं भी मैं कहना कि वह भी मिनट्स जारी करन कि इन्होंने विरोध किया सी या ना, हुण फड़े जाणगे, पहले तो नाल ही मिले हुए सी उत्थे, हाँ करके आए ने जी कि असीं मना लांगे पंजाब दे किसानां नूं। नंबर 3,
5 जून तो लैके 15 सितंबर तक बादल परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जारी करके नरेंद्र सिंह तोमर नूं बुला के नरेंद्र सिंह तोमर दीआं चिट्ठियां दिखा के 2.5-3 महीने ये प्रचार दा रहा कि बिल बहुत वधिया ने, विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही ने, किसान जथेबंदियां गुमराह कर रही किसानों, बहुत वधिया बिल ने, चलो मेरे नाल, मैं लैके चलदा तुहानूं उत्थे, मेरे नाल चलो, ये कहिंदा रहा सुखबीर बादल। तां 2.5 महीने बिल की तारीफ होंदी रही, लोगों नूं समझाउंदे रहे, कोई फर्क नहीं पैंदा, तां सगों बहुत वधिया क्रांति आऊगी। तां अचानक 15 सितंबर नूं कहिंदे सानूं, तां पार्लीमेंट च कहिंदे सानूं तां बिल पढ़ाया नहीं गया। सवाल यह है जी कि जे तुसीं बिल पढ़े ही नहीं सी, फिर 2.5 महीने तारीफ क्यों करी गए उहदी, जदों तुहानूं पढ़ाया ही नहीं गया तुसीं क्यों कही गए बहुत वधिया बिल है। लोगों नूं तुसीं इन्ने कमले समझदे हो कि असीं जदों मर्जी मर जा चिड़िए, जदों मर्जी ज्यों जा चिड़िए कर लाँगे उहनां नूं। ते फिर होर चौथे नंबर ते 15 सितंबर नूं जो पहली बार सुखबीर बोलिया जरूरी वस्तां वाले भंडारी करन वाले बिल ते, उन्हें कहा भी ये बिल जिहड़े ने किसानां लई खतरनाक ने। 15 सितंबर तो पहला किसी भी वीडियो च, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस च, किसी अखबार की कटिंग दे विच ये दिखा देण अकाली दल दे किसी भी पद्धर दे लीडर द्वारा इन्हां बिलों का विरोध किया गया होवे, सिर्फ 15 सितंबर नूं किया। 3 सितंबर नूं तो बड़े बाल साहब तो वीडियो जारी कराई है कि बहुत वधिया बिल ने, सुखबीर नाल गल हो गई मेरी, उहदा भी बुढ़ापा रोलता जांदे जांदे ना। अगला सवाल है जी, अकाली दल जिहड़ा किसानां दे बराबर क्यों धरने लाउंदा उसे दिन ही, किते ना किते डीरेल करन दी उहनां दे संघर्ष नूं फिक्का पाउण दी साजिश है। 25 सितंबर नूं 31 किसान जथेबंदियां ने कहता पंजाब बंद, सुखबीर बादल आ के कहिंदा चक्का जाम 25 नूं अकाली दल वल्लों, ते बंद ते चक्का जाम च की फर्क हुंदा जी, बंद वाले दिन चक्का ही जाम हुंदा। अच्छा चक्का जाम कह के ट्रैक्टर कढ ले, मैं पता नहीं है चक्का जाम की हुंदा, उहदे चक्का जाम होना चाहिए सी, ट्रैक्टरां दे चक्के भी जाम होने, उत्थे हरसिमरत कौर नूं नाल बिठा के इदां लगदा जिवें मेले ते ले जांदा होवे, ट्रैक्टर ले जांदा आ गए ना फिर हैलीकाप्टर वाले, हुण ट्रैक्टरां ते हैलीकाप्टर वाले ट्रैक्टरां ते आ गए ना थले हुण। सो 1 तरीक नूं उहनां ने रेल रोको दित्ता, इन्हां ने तख्तां तों कल जो चल पे उत्थों सारा दिन तुरे फिर विच दी किसान यूनियन ने काले झंडे भी दिखाए, तो इधर नूं चल पे, लोग तो सौ गए सी कहिंदे चल सवेरे देख लाए किन्ने कुट्टे ने, क्योंकि वह पुलिस जिहड़ी चंडीगढ़ की पहला ऐं करदी सी हुण ऐं करदी, इन्हां नूं सलूट बदल गए हुण, इन्हां दे धरती ते आउणा पऊगा इन्हां नूं। ते सवाल इह कि ਇਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਸ ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ SGPC ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਕੀ SGPC ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਬਿਤਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? SGPC ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। SGPC ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੀ
राजनीति जिहड़ी है अकाली दल जिहड़ा वो जदों भी जिवें वो जिहड़ी छिपकली है वो सारी रात कीड़े मकौड़े मच्छर होर काक मकौड़े जिहड़े हुंदे ने उन्हां नूं खांदी रहिंदी है। जो दिन चढ़ जांदा गुरु साहब की फोटो दे उल्ले लुक जांदी है, सारा दिन उत्थे बैठी रहिंदी है, रात नूं फिर निकल जांदी है। उही हाल है इहनां दा। जदों इहनां दे परिवार ते संकट आउंदा कोई इह धर्म दा आसरा लैंदे आ। ते मैं चुनौती दिंदा सुखबीर बादल जी नूं, कांग्रेस दे प्रधान जी नूं, मुख्यमंत्री साहब नूं, कि आओ डिबेट करिए। जे दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते कल्ले कल्ले आ जाओ, बैठो लाइव, मीडिया सामने बैठा होगा तो लोगों को दुध का दुध पानी का पानी करके दो।